दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं सोनीपल जी अनमोल कलर्स रिश्ते स्टार उत्सव टीवी चैनल तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त सेटिंग दिखाने वाले हैं और उस सेटिंग को करके दिखलाएंगे बतलाएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आप नए नए टीवी चैनलों को डीडी फ्री डिश पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों प्रसार भारती द्वारा चलाई जा रही फ्री डीटीएस सर्विस डीडी फ्री डिश में अत्यधिक ज्यादा टीवी चैनल आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना बस ये है कि आपको अपने सेटअप बॉक्स के मेन मेन्यू में आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी नो सिग्नल आ रहा था और यहाँ पे चैनल आ गया, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे कर देना है डिलीट ऑल चैनल। और उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें हमारी पिछली वीडियो के जो लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर्स हैं उनके नाम दोस्तों यहाँ पे निकल के सामने आ चुके हैं। श्रीनाथ जी हैं, शशिकांत पांडे जी हैं, मोहम्मद सैफ हैं, आनंद सिंह हैं और बबीता दास हैं। इन लोगों को दोस्तों हमारे YouTube चैनल की तरफ से बिल्कुल फ्री में फुल HD वाला सेटअप बॉक्स दिया गया है, बस आपको भी मिल सकता है। बस आपको करना ये है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हम सभी टीवी चैनलों को डिलीट कर ही चुके हैं। अब दोस्तों हम बैक आते हैं और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग करनी है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका पूरा सेटअप बॉक्स क्लीन हो जाएगा और उसके बाद से दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेटअप में आना है और दोस्तों सबसे ऊपर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डालनी है। तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों हम यहाँ पे 9750 डालते हैं और उसके बाद से दोस्तों फिर 9750 डाल देते हैं। उसके बाद से दोस्तों 11509 और 29500 इसे डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बेहतर जानकारी के लिए बता दें आप ये वाली फ्रीक्वेंसी डालें 30000। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास सिग्नल आ चुका है। दोस्तों इसे हम ओके करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमें 20 टीवी चैनल रिसीव हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको अगली जो फ्रीक्वेंसी डालनी है 11550 और यहाँ पर भी दोस्तों आपको सिग्नल मिल जाएगा और बिल्कुल नई फ्रीक्वेंसी के साथ नए नए टीवी चैनल मैं आपको बतला रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर भी 20 चैनल ऐड हो जाएंगे। अब जो अगली फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ये किसी और सैटेलाइट की है, इसको भी मैं दिखाना उचित समझता हूँ आप लोगों को, बल्कि ये डीडी फ्रीडिश पर चैनल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये जो फ्रीक्वेंसी डाली है यहाँ पर दोस्तों हमें सिग्नल अभी नहीं मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस फ्री फ्रीक्वेंसी पे हमें जो सिग्नल है वो नहीं रिसीव हो रहा है दोस्तों, और जो फ्रीक्वेंसी है मैंने ये डाल रखा है। और यहाँ पर दोस्तों एक बार और मैं इसे ट्राई करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने 272 कर दिया, 27500 कर दिया और हमारे पास सिग्नल इस पर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसे हम छोड़ देते हैं, अच्छी बात है, हो सकता है कोई वायर वगैरह हिल गया हो। तो दोस्तों हम इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम एक और फ्री फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 900 डालते हैं और नीचे आते हैं दोस्तों, और नीचे आके दोस्तों LNB टाइप 3 कर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे हो सकता है कोई समाधान निकल आए। दोस्तों यहाँ पर भी सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है, तो ये वायर की ही प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों अगली जो फ्री फ्रीक्वेंसी हमें डालनी है 11470 डालनी है, 30500 डालेंगे आपको सिग्नल मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 30500 डाल दिया हमने और इसे दोस्तों हमें ओके करना है। तो दोस्तों ओके करने से पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों पोजीशन पे हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं। तो दोस्तों हम इसे 1 कर देते हैं LNB टाइप 1 और यहाँ पे दोस्तों हम इसे ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है चैनल्स हैं आ गए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं आप लोग अगली जो फ्री फ्रीक्वेंसी है ये जो इस पे भी 22 के ऑन पर भी बता रहा था तो इसको भी ओके कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अब मैं जो आपको अगली फ्री फ्रीक्वेंसी दिखाने जा रहा हूँ इसे दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए, ये 170 वाली फ्री फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर भी दोस्तों आपको ज़्यादा नए टीवी चैनल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये टोटल चैनल आपको देखने को मिलते हैं जबरदस्त तरीके से सिर्फ और सिर्फ डीडी फ्रीडिश के MPEG-2 सेटअप बॉक्स में।